press the test button and release. Press the test button and release. Red light will turn on itself. Test OK. Red light will stop or flash. If self test fail, consult user. Flashing of white light or red light भी blink कर रही है, मतलब properly work कर रहा है। So testing के लिए यहाँ पे दिया हुआ है procedure, please test press the test button and release. Red light will turn on, red light यहाँ पे जलेगी, as mentioned over here. If self test is okay, self test अगर सही चल रहा है, then red light and white stopper flashes. White stoppers means flashing of white lights. दो बार व्हाइट लाइट फ्लैश करेगी और यहाँ पे एक रेड लाइट फ्लैश करेगा. इफ सेल्फ टेस्ट फेल, अगर सेल्फ टेस्ट फेल हो जाता है, देन कंसल्ट द यूज़र मैनुअल. इसका यूज़र मैनुअल प्रोवाइडेड है कंपनी के द्वारा, तो वो हमको देखना पड़ेगा. लाइक वी हैव प्रेस द टेस्ट बटन, यहाँ पे रेड लाइट फ्लैश कर रही है एंड स्टॉपिंग ऑफ व्हाइट लाइट ओवर हियर. सो टेस्ट इज सक्सेसफुली डन. अब इसको हम सिक्योर कर लेते हैं. एक्टिवेशन के लिए ये जो प्रिकॉशनरी रेड नॉब दिया हुआ है, ये निकालेंगे हम. और यहाँ पे अपना एक स्विच है, इसको राइट साइड एक्टिवेट करने के लिए मूव करेंगे, देन ये अपना ये पब एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, आई गॉट दैट. देन अब इसको हम सिक्योर कर लेते हैं. और ये एचआरयू है, एचआरयू ऑटोमेटिक एक्टिवेशन के लिए. हमारा शिप अगर 4 मीटर नीचे चले जाता है पानी के, देन ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा. ये अंदर जाएगा ना. नीचे पहले नीचे लगा.